कभी ये मत सोचिए कि मैं तो, इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कुछ बुरे दिन आते हैं तो अच्छा है, कम से कम हमारे साथ लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं हम पे भी और कॉन्फिडेंस पे ट्रेड कर जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी सुधर जाते हैं, पड़ती है थपेट। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि बस आप लोग एक कुछ रूल्स फॉलो करिए, ओवर ट्रेडिंग चाहे कितना ही अच्छा कॉल लग रहा हो, चाहे कितनी ही अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा कन्विक्शन हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्वांटिटी को सिमिलर रखना है, प्रॉफिट में भी उतना ही पैसा लेके जाएगी, लॉस में भी उतना ही पैसा लेके जाएगी। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं, स्पेकुलेशन नहीं, लीवरेज इस्तेमाल मत करिए, छोटा छोटा प्रॉफिट इन्जॉय करते रहिए, फैमिली के साथ इन्जॉय करिए और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ज़रूर आ जाइए। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर कैटेगराइज करके रखा अपने लोगों ने सोशल मीडिया में, कोई सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है, कोई सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा है, कोई ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा है, कोई ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को सारे सेगमेंट्स के लेवल दे दिए जाते हैं, जो जहाँ पर इंटरेस्ट है उसका, उसको, उसके कॉल बनाइए, ट्रेडिंग करिए, कैपिटल जनरेट करिए, इन्वेस्टिंग करिए। ये यहाँ, ये आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कोई और चैनल में नहीं मिलेगा प्रोसेस, क्योंकि ये लेवल देना इतना आसान नहीं सबके, और उसको रिव्यू करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें सबकी छवि होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये बाजार इतना डायनामिक है कि कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि मैं इस बाजार को 24 घंटे पहले या फिर 1 महीने पहले प्रेडिक्शन दे दूं। हमसे गलती होती है और हम अपफ्रंट अपफ्रंट आके एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हमसे गलती हुई है, बाजार किसी के पापा का नहीं है, हमारे भी पापा का नहीं है, किसी और के भी पापा का नहीं है। लेकिन जो मेहनत है 17-18 साल की, उसका जो सार निकल के आता है, फंडामेंटल हो टेक्निकल हो, उसका जो सार निकल के आके आंकड़े बनते हैं, वो आंकड़े मैं आप लोगों को देता हूँ और वो आंकड़े अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो ये सब लॉकडाउन की पैदाइश तो इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि गारंटी की बात करने लगते हैं, फ्रॉड नंबर यानी अननोन नंबर, अननोन टेलीग्राम जिसका कोई ट्रैक नहीं, ऐसे बहुत सारे अपवाद मिल जाएंगे। चलिए सेबी अथॉरिटी देख रही है, सब अपना एक्शन ले रही है, तो होगा सबका। साइबर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अगर आप में से भी कोई इस तरह के काम कर रहा है तो भैया थोड़ा संभल के रहिएगा। आपको लगता होगा कि हम अननोन नंबर रजिस्टर करा के ले लें, आईपी एड्रेस से सब ट्रैक हो जाता है, कोई बच नहीं सकता।